नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इससे पहले टॉपिक शुरू किया जाए कुछ इन्फॉर्मेशंस। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं रिलेटेड टॉपिक के लिए, उनसे आप रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं। और एक वेबसाइट है www.nirupamsir.com, इस पे वीडियो क्लासेस अभी तक जो बनी है इस सेशन में, और अगर आपको सिलेबस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, PDF चाहिए NCERT का, या फिर TS ग्रेवाल बुक का PDF, और अब तक डेट वाइज जो आपको क्लास वर्क होमवर्क अब तक मिला है, ये सारी डिटेल इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है। तो आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया होता है, या लायबिलिटी साइड में यहाँ दिया है। दो पार्टनर मान लीजिए ए और बी, इनकी ओल्ड रेशियो है 2:1, और न्यू रेशो डिसाइड कर रहे हैं ये 1:1। तो लायबिलिटी साइड में अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये रिजर्व क्यों बनता है, किस लिए होता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो फ्लक्चुएट करती है, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो इसमें जब लॉस होता है उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए ये रिजर्व यूज़ किया जाता है। वेन एवर देयर इज लॉस और वेन एवर देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट लॉस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट रिजर्व। तो इसलिए रिजर्व बना है। तो जब ये रेशो चेंज करेंगे तो चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जितना रिजर्व आपके पास बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें देखिए, जैसे पहला केस है कि इसकी मार्केट वैल्यू हमने देखी, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी कि जितनी इसकी बुक्स में वैल्यू दिखाई हुई है उतनी ही मार्केट में वैल्यू है। जब रेशो चेंज करने लगे, इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को चेक किया गया जिसको बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई हुई है वो बुक वैल्यू है, और मार्केट में जब इसे चेक किया गया तब ये उसी के इक्वल निकली जो बुक्स में है। इसका मतलब ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। देखो, तीन सिचुएशन हो सकती हैं। तीन सिचुएशन क्या हो सकती है? मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन बुक वैल्यू। ये तीन ऑप्शन बनती हैं। जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को चेक किया जाएगा, या तो वो बुक वैल्यू के इक्वल मिलेगी या उससे कम। भाई, मार्केट में देखा हमारी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो कम हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो पहला केस अगर है, यानी कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का इक्वल है, इसका मतलब कोई लॉस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ आप दिखाओगे। जब लॉस नहीं है तो रिजर्व का कुछ यूज़ नहीं है, तो ये रिजर्व आपका पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस है डिक्रीज हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ओल्ड रेशो में, 2:1 की रेशो में, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी कि जितना रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कब? जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का इक्वल है। देन टोटल रिजर्व विच अपियर्स इन बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। दूसरी सिचुएशन है वेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। ये बुक वैल्यू है 40,000, मार्केट में इसकी वैल्यू कम है। अब कितनी कम है? वो जो फॉल इन वैल्यू है ये 10,000 कम भी हो सकता है, 12,000 कम भी हो सकता है, 15,000 कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसकी वैल्यू कितनी कम हुई। तो वो फॉल इन वैल्यू चेक करेंगे कितनी कम हुई, कितना लॉस हुआ इसके ऊपर। तो फॉल इन वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे? रिजर्व से। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इसकी वैल्यू 12,000 ही कम हुई, 12,000 का लॉस हुआ, यानी कि 28,000 हो गया।
या इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नुकसान हो गया जितना रिजर्व है, या इसकी वैल्यू इतनी कम हुई कि अभी रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है। तो तीन केस बनते हैं, कौन कौन से? व्हेन फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, यानी कि इतना नुकसान हुआ, इतना कम हो गई वैल्यू इसकी वैल्यू कि वो रिजर्व से पूरी हो जा रही है फिर भी रिजर्व बचता है, या इसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो रिजर्व के इक्वल है, यानी कि 12,000 कम होगी वैल्यू, यानी कि 28,000 नई वैल्यू आ गई मार्केट वैल्यू, या फिर इसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि रिजर्व से भी पूरी नहीं हो रही है। तो ये तीन सिचुएशन बनती हैं, फॉल इन वैल्यू रिजर्व के कम है, या रिजर्व के इक्वल है, या रिजर्व से ज़्यादा है, यानी कि सेकेंड केस के आगे तीन केस बन गए, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व, एंड फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व। तो पहला केस लेते हैं, जैसे यहां पे है फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व, जैसे यहां पर बुक वैल्यू है 40,000 और इसकी वैल्यू कम हो गई, मार्केट वैल्यू है इसकी 37,000, मार्केट वैल्यू 37,000, तो जो बुक्स में 40,000 है मार्केट में उसकी 37,000 वैल्यू है, तो कितनी कम होगी? 3,000। तो फॉल इन वैल्यू कितना हुआ? 3,000। हमारे पास लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व है, कितना रिजर्व है? 12,000। तो 12,000 से कम है लॉस आपका, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व। अब इस केस में ये 12,000 में से 3,000 ये लॉस कवर हो जाएगा, बाकी जो रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 12,000, तो डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 डेबिट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो रही है? 3,000। इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है जब ये कम होगी, इसे क्रेडिट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट 3,000, ये सेट आपकी कम हो गई, कितने से? 3,000 से। ये लॉस आपने कहाँ से कवर किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, लेकिन रिजर्व में अमाउंट कितना है? 12,000। यूज कितना हुआ? 3,000। बाकी कितना अभी है? 9,000। वो 9,000 ए और बी में ट्रांसफर हो जाएगा, 9,000 किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 2:1 में। तो 3,000 ये और 6,000 ये, तो 6,000 ए को क्रेडिट करेंगे, 3,000 बी को क्रेडिट करेंगे, यानी कि लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व एंड एक्सेस रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 2:1 में। ये कब होगा? जब फॉल इन वैल्यू रिजर्व से कम हो। अगर फॉल इन वैल्यू रिजर्व के इक्वल हो तब क्या करेंगे? जैसे देखिए बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 40,000 है, मार्केट में वैल्यू है इसकी 28,000, तो ये कम होगी ना वैल्यू, कितनी कम हो गई? 40,000 माइनस 28,000, तो 12,000 कम हो गई, यानी कि फॉल इन वैल्यू जो वैल्यू में गिरावट आई है वो 12,000 है, और रिजर्व भी आपके पास कितना है? 12,000। तो सारा रिजर्व इस लॉस को कवर करने में यूज हो जाएगा, अब पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपका बैलेंस शीट में है क्रेडिट बैलेंस, उसे आप डेबिट कर दोगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, टू इन्वेस्टमेंट 12,000, ये एसेट आपकी कम हो गई, नुकसान हो गया, या आपने रिजर्व से कवर कर लिया, अब पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, जितना रिजर्व था वो सारा डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई 12,000 से। फिर नेक्स्ट केस है व्हेन फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व, यानी कि इतना कम हो गया कि रिजर्व से ज़्यादा गिरावट आ गई। जैसे ये देखिए बुक वैल्यू 40,000 है, लेकिन मार्केट में वैल्यू देखिए 25,000 है उसकी, तो 40,000 से 25,000 हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इसका मतलब उसमें कितनी कमी आ गई? 15,000, और आपने रिजर्व कितना बनाया हुआ सिर्फ 12,000, तो लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व आपके पास 12,000 है, जबकि फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व, 15,000 नुकसान हो गया, अब इस नुकसान को रिजर्व से पूरा नहीं कर सकते, रिजर्व से ज़्यादा लॉस हो गया, तो रिजर्व तो पूरा डेबिट होगा 12,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी कम हुई है? 15,000, ये 15,000 से कम हुई, एसेट कम हुई, तो इस लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व तो पूरा डेबिट कर ही दिया, साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिजर्व।
तो रिजर्व का पूरा अमाउंट डेबिट हो गया, साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट जितनी उसकी कम हुई वैल्यू वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लॉस हुआ, इस लॉस को कौन बियर करेंगे? पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन जो डेबिट किया था उसे क्या करेंगे? क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। याद रहे कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब नेक्स्ट केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 40,000 और मार्केट में इसकी वैल्यू लगाई तो देखा 46,000। तो 46,000 का मतलब है जो रिजर्व आपने लॉस को कवर करने के लिए बनाया था उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं, आपको तो फायदा हो रहा है। तो ये पूरा रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ओल्ड रेशो में। ये 12,000 पूरा डिवाइड हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो रही है 6,000 से, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जब कम होती थी तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया जाता था, यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ओल्ड रेशो में। तो ये याद रखना है। अब अगर इसके नोट्स बनाए तो कैसे बनेंगे ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जैसे ये केस था, मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू, यानी कि जो बुक्स में वैल्यू है उतनी ही मार्केट में वैल्यू है, कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, देन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट आ जाएगा। तो पहला केस हो गया मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। फिर सेकंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से कम है। उसके तीन पार्ट मैंने बताए थे, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो इसका मतलब फॉल इन वैल्यू हो गया, यानी कि वैल्यू कम हो गई। तो जितनी कम हो गई उसको चेक करेंगे, वो रिजर्व से कम है या रिजर्व के इक्वल है या रिजर्व से ज़्यादा कम हो गई, यानी कि लॉस को देखेंगे, चेक करेंगे। फॉल इन वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? फॉल इन वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। भाई बुक वैल्यू 40,000 है जैसे इस केस में, और ये मार्केट वैल्यू 37,000, तो कितनी कम हुई? 3,000। तो फॉल इन वैल्यू कैसे निकालेंगे? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। और ये जो आया फॉल इन वैल्यू, इसको चेक करेंगे किससे? रिजर्व से कंपेयर करेंगे, यानी कि जो लॉस हुआ बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम करके माइनस करके लॉस आता है, तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिजर्व से कम है, रिजर्व के इक्वल है या रिजर्व से ज़्यादा है, वो तीन केस बनेंगे। सेकेंड केस के आगे तीन केस बनेंगे। तो अगर ये लॉस जो है आपका रिजर्व से कम है तो बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री क्या करेंगे इस केस में? ये देखिए, फॉल इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो रिजर्व तो पूरा डेबिट होगा लेकिन लॉस जो है आपका वो कम है। ये कौन सा अमाउंट है? ये अमाउंट है आपका बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जितना लॉस है ये लॉस, यानी कि ये लॉस तो इतना डेबिट, ये जितनी इन्वेस्टमेंट कम, यानी कि एसेट आपकी कम होगी इतने से, इट इज़ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसलिए एसेट को हमने क्रेडिट किया, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया, कितने से कम किया? बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, इतनी कम हो गई। तो बाकी जो बचा हुआ रिजर्व है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व, यानी कि बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके जो आया फॉल इन वैल्यू आ गया और वो रिजर्व के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू रिजर्व, तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा और इतने से इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? जो डिफरेंस है, यानी कि जितना एसेट में कमी आई है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके बुक वैल्यू को जितना उसमें कमी आई है उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, रिजर्व डेबिट हो जाएगा। और ये दोनों इक्वल हैं तो कुछ भी रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जितनी वो कम हुई उतने से एसेट आपकी कम हुई है या आप क्रेडिट करोगे, लेकिन रिजर्व आपका कम है तो डिफरेंस से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि यहाँ लॉस हो गया, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। व्हेन मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू, तो फायदा हो गया तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने के बजाय डेबिट करेंगे अब की बार। ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिजर्व आपका पूरा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि यूज तभी होता है जब लॉस होती है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। अदरवाइज रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन केस पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड देर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड और रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी ओपन टू रिकॉग्नाइज द गेन, एंड दिस गेन विल लीड्स टू इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो अगेन नेक्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट और करंट अकाउंट। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे टीएस ग्रेवाल में पेज नंबर 4.41 पे क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इसको देख लेंगे एक बार। नितिन तरुण अमर तीन पार्टनर हैं, इक्वल इनकी रेशो है 1:1:1। अब डिसाइड कर रहे हैं 2:1, तो ओल्ड रेशो 1:1:1 है। रिजर्व दिया हुआ है 60,000 और इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की। अब जर्नल एंट्रीज देनी है, 5 केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, इसका मतलब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की ये बुक वैल्यू है यहाँ पे और मार्केट वैल्यू देनी हुई, इसका मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू, उस केस में ये सारे रिजर्व आपके बच गए, ये पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस है यहाँ, ये डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल, टू तरुण कैपिटल, टू अमर कैपिटल, तीनों में ओल्ड रेशो में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, ये फर्स्ट केस हो गया व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। सेकेंड केस देखिए व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, तो बुक वैल्यू भी 4 लाख है, मार्केट में भी 4 लाख वैल्यू है, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगेन रिजर्व बच गए सारे आपके, कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये रिजर्व सेम एंट्री वही रहेगी, यानी कि जैसे ये एंट्री पास की थी सेम यही एंट्री सेकंड केस में रहेगी। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू ना दियो के कितनी है, तो इसका मतलब यही समझेंगे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर है, तो दोनों केस सेम होंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर, तीनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। थर्ड केस देखिए व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, 424 का मतलब ये इंक्रीज होगी वैल्यू, ये तो फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो रिजर्व तो सारे बच ही गए, ये तो पार्टनर्स में जाएंगे, साथ साथ जो प्रॉफिट हुआ वो भी कैपिटल में जाएगा। तो क्या करेंगे देखिए, पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण, अमर, ये तीनों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रिजर्व का कोई यूज़ नहीं है, रिजर्व का यूज़ तब होता है जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो, यानी कि नुकसान हो, यहाँ तो फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है भाई, 4 लाख उसकी बुक वैल्यू थी और अब उसकी वैल्यू लगाई जा रही है 4,24,000, 24,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी, तो डेबिट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये फायदा हो गया। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्दर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन, तरुण और अमर, ये रिवैल्यूएशन में 24,000 कैसे आया भाई, 4 लाख उसकी बुक वैल्यू थी और अब मार्केट में उसकी 4,24,000 वैल्यू है, तो 24,000 से आपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड अप टू इट्स मार्केट वैल्यू। अब ये 24,000 जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, ये कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया इक्वली ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट देखिए, इसमें 3,70,000 मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू से कम हो गई, यहाँ देखिए लॉस कितना है 30,000 का, 30,000 कम हो गए ना, तो 30,000 हम रिजर्व से एडजस्ट करके रिमेनिंग जो रिजर्व है 30,000 का वो कैपिटल में जाएगा, तो रिजर्व पूरा डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई आपकी 30,000, ये 370 तक आ गई, तो टू इन्वेस्टमेंट ये एसेट कम हो गई आपकी 30,000 से,
और रिमेनिंग रिजर्व 30,000 विल बी ट्रांसफर टू नितिन, तरुण और अमर तीनों की कैपिटल में 10,000 10,000 10,000 इक्वली। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ वैल्यू कम हुई है, 3,10,000 तक चली गई जबकि सही 4 लाख, तो 90,000 वैल्यू कम हो गई, 90,000 का लॉस हो गया। अब 90,000 के लॉस को कवर करने के लिए रिजर्व सिर्फ कितना है, 60,000। अब कैपिटल में डिवाइड करने के लिए कुछ रिजर्व नहीं बचा, सारा रिजर्व की लॉस को एडजस्ट करने में काम आ जाएगा। तो ये देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। अब इन्वेस्टमेंट जो डिक्रीज हो रही है एसेट आपकी, वो 90,000 कम हो रही है, तो 30,000 आप रिवॉल्यूशन डेबिट करेंगे, यानी कि इस लॉस को कवर करने के लिए पूरा रिजर्व यूज हो गया, साथ साथ रिवॉल्यूशन को भी डेबिट करना पड़ा, ये लॉस और रिकॉग्नाइज किया आपने। अब ये कैपिटल को अफेक्ट करेगा, इससे कैपिटल कम होगी, रिवॉल्यूशन को जो डेबिट किया वो क्रेडिट करेंगे टू रिवॉल्यूशन, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। तो नितिन, तरुण और अमर तीनों की कैपिटल डेबिट करके टू रिवॉल्यूशन, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस तरह से ट्रीटमेंट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।